क्या आप भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और आपसे नहीं हो रहा है कि किस तरीके से आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजी तरीका से आप मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, दोनों में से किसी से भी आप बहुत ही इजी तरीका से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि कैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं आपको जो है आरटीओ ऑफिस जाना है, ठीक है, और जितना पेमेंट आपको बोलेगा वहां पे आपको जमा करना होगा। तो वहां पे जो है आप ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं या आप जो है जाके भी पेमेंट वहां पे आरटीओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो आप जो है वहाँ आरटीओ ऑफिस में ही जाके आप पेमेंट जमा कीजिए। तो आपको जो है कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पर आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद भी आप इस पेज पर आ सकते हैं या आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग कर दीजिएगा parivahan.gov.in, तो भी आप इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस है, तो आपको सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटिव सर्विस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हर स्टेट में जो इंडिया का हर स्टेट में जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस लगभग सब हर जगह सेम ही है, सिर्फ आपको स्टेट चूज करना होता है। तो सिंपली हम देख रहे हैं कि सेलेक्ट स्टेट नेम, चलिए जो भी स्टेट से, तो यहाँ पर आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं जहाँ से हूँ तो वहाँ से मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी जहाँ से होंगे वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से ये पेज अपने आप रिडायरेक्ट कर देगा पेज पर। तो इस तरीके से ये पेज आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस, पे चेक पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए हमको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो सिंपली हम अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 7 स्टेप में आपको ड्राइविंग लाइसेंस को फिलअप करना पड़ेगा और इसके बाद आपका सबमिट होगा। तो ये 7 जो स्टेप है आप उसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से ये पेज आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि लर्निंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। कुछ है यहाँ पे हाईलाइट दे रखा है जहाँ पे से आपको यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आपका जो आप जो भी स्टेट से है वो स्टेट का आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको पहले बिहार से तो BR देना पड़ेगा और कुछ नंबर है वो डालना पड़ेगा। बीच में एक आपको स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद स्लैश देना पड़ेगा, इसके बाद कुछ नंबर, इसके बाद फिर स्लैश, इसके बाद जो भी ईयर का है वो ईयर डालना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जो बिल्कुल ही वो फॉर्म है जो आप लर्निंग लाइसेंस के लिए बनवाने के लिए दिए थे। तो बिल्कुल ही ये फॉर्म उसी की तरह है। आपका पूरा डिटेल यहाँ पर फिलअप रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं जो भी आप वहाँ पर डाले थे लर्निंग लाइसेंस में वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल के लिए डाले थे और फोर व्हीलर के लिए डाला था, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपको आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली कंफर्म कर देना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। आप पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे सिक्योर हूँ, अगर सिक्योर हो तो सिंपली यहाँ से सब कुछ अपने देख लीजिए कि अगर कुछ गलत नहीं तो किए हैं लर्निंग लाइसेंस बनाने टाइम में, अगर लर्निंग लाइसेंस में कुछ इसमें गलत है तो आप इसको सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद सिंपली अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर सिंपली ओके कीजिएगा। बोल रहा है कि आप सिक्योर है, अगर सिक्योर है सिंपली यहाँ पर ओके कर देना। ओके करते ही देख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड हो चुका है और आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर जो दिए हुए हैं।
इसके साथ ही आपको जितने रिलेटिव डॉक्यूमेंट है, इसके बाद आपको 3100 रुपये आपको लेके जाना पड़ेगा। आपको जो RTO ऑफिस है और फॉर्म 1 और फॉर्म 1A और जितना आपको जो ID दिए हुए थे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपका ID दिए हुए थे लर्निंग लाइसेंस बनाने के टाइम में, वो आपको सारे लेके जाना पड़ेगा। और आपको एक फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा RTO ऑफिस में, और RTO ऑफिस में जाने के बाद आप जमा करेंगे। इसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगा, वो स्लिप आपको रख लेना है। और आपको एक टेस्ट डेट आपको दिया जाएगा, उस डेट में आपको जाके आपको RTO ऑफिस में एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ही आप ड्राइविंग टेस्ट में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप 15 नंबर में से अगर आप 9 नंबर ले आते हैं, 9 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं मतलब, तो आप 9 क्वेश्चन के जैसे जवाब देंगे तो आपको अगला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और आपका ऑलरेडी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके एड्रेस पर इशू कर दिया जाएगा। और आप जो भी एड्रेस दिए होंगे उस एड्रेस पे आपका ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, अगर जिसके वो ऑनलाइन पेमेंट करता है जिसके पास टाइम नहीं होता है, जैसे कोई ऑफिस वर्क का काम कर रहा है तो वो उसके पास टाइम नहीं होता है तो वो स्लॉट बुक कर लेता है, स्लॉट बुक करके वो अपना उस टाइम पर चल जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो सिंपली आप पेमेंट ऑनलाइन नहीं करेंगे, सिंपली जो मैं मेथड में बताया हूँ पहले से, जो लर्निंग लाइसेंस में मेथड था उसी मेथड से आपको पेन ऑपर क्लिक करके आप वहाँ पर जाना है RTO ऑफिस में, और वहाँ पर जाने के बाद आपको पेमेंट करना है और सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर देना है। इसके बाद आपका टेस्ट होगा, इसके बाद आपका जो एड्रेस है उस पर आपका जो ये ड्राइविंग लाइसेंस है वो इशू कर दिया जाएगा, और आप बहुत ही आसानी से आप ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि स्लॉट बुक करें तो सिंपली देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट है यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि बुकिंग स्लॉट, तो इस पे जाके आप बहुत ही आसानी से यहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। इसलिए आप लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करना चाहते हैं, अगर आप स्लॉट बुक नहीं किए हुए हैं और पेमेंट नहीं किए हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि हम जाके RTO ऑफिस में पेमेंट करें और वहाँ जाके ड्राइविंग लाइसेंस दें और वहाँ पर जाके मैं अपना फी में पेमेंट करूँ, तो सिंपली यहाँ से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। सिंपली आप क्या कीजिएगा, आप लर्निंग लाइसेंस के लिए भी और आप अपना जो ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए बहुत ही आसानी से यहाँ से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ से स्लॉट को कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये कैंसिल लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पे, तो आप उसको भी आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, और यहाँ से जाके आप बहुत ही आसानी से स्लॉट बुक भी कर सकते हैं। तो अब गाइस मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर आप ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं, पेमेंट नहीं किए हुए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट जो है आपका ऑफिस जो आप इसमें भरे हुए हैं, तो जो भी आप RTO ऑफिस दिए हुए RTO ऑफिस में जाइए, वहाँ पेमेंट कीजिए, अपना जो रिलेटिव डॉक्यूमेंट है और इसका प्रिंट आउट निकाल के लेके जाइए, वहाँ जमा कीजिए और वहाँ से जाकर आप एक टेस्ट दीजिए। अब आपको बहुत ही आसानी से आपका जो एड्रेस पे आपका लर्निंग लाइसेंस भी आ जाएगा उसी तरीके से, और उसी तरीके से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से मेरे चैनल में बने रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना दुकान में जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।